गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के अवशेष परीक्षाएं शासन के निर्देश एवं कुलपति की अध्यक्षता में परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार 7 जुलाई से शुरू होगी और 18 जुलाई तक चलेगी। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी, जिसमें छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए 50% ही छात्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 2 पाली में आयोजित परीक्षा में पहली पाली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसमें स्नातक एवं स्नातक के छात्र छात्राएं परीक्षा दे सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया। प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में यूनिवर्सल परीक्षा की अवशेष जो परीक्षाएं थी उनको परीक्षा समिति की बैठक के अनुमति से आज दिनांक 23 जून को यह निर्णय लिया गया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की बढ़ी परीक्षाएं 7 जुलाई से प्रारंभ की जाएंगी। इसमें स्नातक की परीक्षाएं 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को समाप्त हो रही है। स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 21 जुलाई तक समाप्त हो रही है। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 8 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसमें ध्यान रखा गया है कि प्रथम पाली में जितनी छात्रों की संख्या पहले थी उसे आधा कर दी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके लिए पहले प्रथम और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं खत्म होती थी, लेकिन प्रथम पाली में मात्र तृतीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जा रही है और द्वितीय पाली में द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के साथ प्रथम वर्ष के जो छोटे कम संख्या वाले प्रश्न पत्र उनको लगाया गया है। और जब द्वितीय वर्ष की छोटे प्रश्न पत्र छोटे कम संख्या वाले प्रश्न पत्र लगे हैं वहां बड़े प्रथम वर्ष के अधिक छात्र वाले प्रश्न पत्र लगाए गए हैं। इस तरह व्यवस्था किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे और ये भी व्यवस्था किया गया है कि किसी छात्र को परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई छात्र कोरोना संक्रमित हो जाता है किसी कारणवश रासा एग्जाम नहीं दे पाता है तो परीक्षा समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि उसको हम लोग बैक इम्प्रूवमेंट में परीक्षा देने का अवसर देंगे।